नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हर्पेस जोस्टर के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हर्पेस जोस्टर क्या होता है, इसके होने के पीछे क्या कारण है, क्या इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं और किस प्रकार इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हर्पेस जोस्टर किसे कहते हैं। दोस्तों हर्पेस जोस्टर एक स्किन इन्फेक्शन होता है जो वैरोसिला जोस्टर नामक एक वायरस के द्वारा होता है। इस रोग में जनरली जो हमारी स्किन होती है उस पर इरप्शन हो जाता है, छोटी छोटी पुंछों जैसी रचना बन जाती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, बेचैनी होती है, दर्द होता है। दोस्तों बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में, हर्पेस जोस्टर बीमारी होने के पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों एक और इसका प्रमुख कारण यह है, एक वायरस होता है वायरोसिला जोस्टर जिसके द्वारा ये रोग होता है। दोस्तों वायरोसिला जोस्टर वही वायरस होता है जिसके द्वारा बचपन में या फिर 18 से पहले की जो उम्र होती है उस समय जो चिकन पॉक्स बीमारी होती है वो इसी वायरस के वजह से होती है। अगर ये इस वायरस का किसी के शरीर में इन्फेक्शन हो जाए तो जो चिकन पॉक्स बीमारी होती है वह तो ठीक हो जाती है, लेकिन जो वायरस होता है वह शरीर में कहीं ना कहीं रह जाता है, छुपा रह जाता है। जनरली जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वहाँ ये बचा हुआ रह जाता है। दोस्तों जब भी इस वायरस के लिए आपके शरीर में अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं या एटमॉस्फेयर इस प्रकार का मिलता है कि अपना प्रभाव दिखा सके, या आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर हो जाए, या आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाए, तभी अपना प्रभाव दिखाता है और उसके वजह से आपको जो हर्पेस जोस्टर बीमारी है वो देखने को मिलती है। दोस्तों बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी को हर्पेस जोस्टर बीमारी हो जाए तो उसकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला सिम्टम देखने को मिलता है पेन। दोस्तों जब ये बीमारी होने वाली होती है शुरुआत में इसमें सबसे पहले दर्द स्टार्ट होता है जो जब तक ये बीमारी रहती है तब तक लगभग बना रहता है। दोस्तों अगर इसमें बात करें अगले सिम्टम्स के बारे में तो इसमें बर्निंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और फिर जो छोटे छोटे दाने हैं वे बॉडी पर दिखाई देने लगते हैं जिसमें एक फ्लूइड सा भरा रहता है। और दोस्तों ये जो दाने से होते हैं पैचेस के रूप में निकलते हैं, गुच्छे के रूप में निकलते हैं। और इस बीमारी की खास बात ये होती है कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति में हर्पेस जोस्टर बीमारी होगी तो ये बीमारी या तो राइट साइड में होती है बॉडी के या लेफ्ट साइड में होती है, एक ही साइड एक ही तरफ होती है। ऐसा नहीं कि शरीर के बीचों बीच बन जाए, पेट पर बन जाए, बन तो कहीं भी सकती है, लेकिन अगर आप शरीर को दो भागों में डिवाइड करने के लकीर से खींच दें तो अगर बॉडी के लेफ्ट में देखने को मिलेगी या राइट में देखने को मिलेगी, दोनों साइड ये देखने को नहीं मिलती है। इस बीमारी की एक खास बात होती है। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों जो इसका अगला सिम्टम्स है इसमें रेडनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ जहाँ आपको परेशानी होती है हर्पेस जोस्टर की वो जो एरिया है थोड़ा लाल सा दिखाई दे जाता है। जैसे जैसे बीमारी ठीक हो जाती है तो जो दाने होते हैं वो सूखने लगते हैं, पानी भी सूखने लगता है और लास्ट में जाकर यह परेशानी जो होती है वो हल्की ऐसी पपड़ीदार जो आपकी स्किन है वो दिखने लगती है। दोस्तों बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं हर्पेस जोस्टर के लिए। दोस्तों मेडिसिन बताने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपको भविष्य में कभी हर्पेस जोस्टर हो जाए या इस समय किसी को हुआ हो तो आप इसका एलोपैथी इलाज बिल्कुल भी ना कराएं या एलोपैथी कोई भी क्रीम इसके लिए ना लगाएं। उससे क्या होता है दोस्तों, जो आपकी हर्पेस बीमारी होती है, हर्पेस जोस्टर बीमारी होती है, वो सप्रेस हो जाती है, दब जाती है और भविष्य में जाकर आपको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलॉजी की परेशानी देखने को मिल सकती है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलॉजी क्या होती है इसके लिए मैं एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलॉजी क्या होती है। अगर इसमें शॉर्ट में कहें तो जिन व्यक्तियों में हर्पेस जोस्टर की बीमारी होती है और उनकी बीमारी सप्रेस हो जाए उनको भविष्य में जाकर जहाँ हर्पेस जोस्टर होती है उसके बेसिस दर्द काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, नसों का दर्द जनरली देखने को मिलता है जो आसानी से ठीक नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं और जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं ये इस बीमारी को सप्रेस नहीं करती हैं, पूरी तरीके से ठीक कर देती हैं। और अगर आपकी ये बीमारी ठीक हो गई तो आपको भविष्य में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलॉजी की परेशानी कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जो पहली मेडिसिन है आर्सेनिक 30, दोस्तों जो आर्सेनिक 30 मेडिसिन होती है काफ़ी अच्छी मेडिसिन है हर्पेस जोस्टर की। ये आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हर्पेस बीमारी को ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर जो हर्पेस के दाने हैं उसमें जलन है, बेचैनी काफ़ी ज़्यादा है
तो ऐसी कंडीशन में जो आर्सेनिक मेडिसिन होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है हर्पीस जोस्टर को ठीक करने के लिए। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों इसकी डोज है वो दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बीमारी है 1 से 2 हफ्ते में पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अगर आपके जो परेशानी में थोड़ी कम है तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, अगर परेशानी ज़्यादा है तो मात्र 2 हफ्ते में जो आपकी बीमारी है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। दोस्तों जो रस्टॉक्स मेडिसिन होती है ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है हर्पीस जोस्टर की। अगर जो हर्पीस जोस्टर बीमारी है उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो उसको भी ठीक करने का काम जो होता है वो रस्टॉक्स मेडिसिन का होता है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो दोस्तों इसकी डोज है वो दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करें अगली मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है कैम्फिस 30। दोस्तों जो कैम्फिस मेडिसिन होती है ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है हर्पीस जोस्टर को ठीक करने के लिए। अगर जो हर्पीस जोस्टर बीमारी है उसमें जलन बहुत ज़्यादा है तो जलन को ठीक करने के लिए जो कैम्फिस मेडिसिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो इसकी भी डोज को आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं दो दो बूंद। दोस्तों बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है बैरोलिनम 200। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है हर्पीस जोस्टर को ठीक करने की और काफ़ी सारे मरीज सिंगल मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम दिन में 2 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है कैलेंडुला क्रीम। दोस्तों जो कैलेंडुला क्रीम होती है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है हर्पीस जोस्टर को ठीक करने की। दोस्तों जो क्रीम है आपकी बीमारी को सप्रेस नहीं करती, अगर आपकी बीमारी में काफ़ी ज़्यादा जलन है, चुभन है, दर्द है तो उसमें थोड़ी सी ये राहत दे देती है, इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। वरना जो पहले 4 मेडिसिन थी उन्हीं से आपकी जो बीमारी है वह ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें इस क्रीम को यूज़ करने के तरीके के बारे में, सुबह और शाम दिन में 2 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप में से किसी को इस प्रकार की शिकायत है या भविष्य में हो जाए तब आप एक बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।